ਗਤਕਾਲ ਚੱਕਰ ਕੈਲਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਆਏ ਆ ਉਹ 5 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ ਜੀ ਆਂਦੋਲਨ ਪਰਿਖੇਤਰ ਮੈਂ ਉਪਸਥਿਤ ਸਭੀ ਵੀਰ ਵਲਦਾਨੀ ਕਿਸਾਨੋ ਕੋ ਮੈਂ ਸਹਿ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਤਾ ਹੂੰ और यदि आपने मेरा प्रणाम स्वीकार कर लिया है तो एक नारा लगाइए किसान एकता किसान एकता भारत माता की भारत माता की। तो दोस्तों आंदोलन को चलते चलते शायद 106वां दिन हो चुका है। किसी रामायण काल में रावण को मारने के लिए विभीषण ने प्रेरणा की थी कि रावण को मारने के लिए नाभि में वार देना पड़ेगा, और महाभारत काल में दुर्योधन को मारने के लिए श्री कृष्ण ने प्रेरणा की थी कि इसकी जंघा पे चोट लगाओ, जब तक ये मरेगा नहीं दुर्योधन, तो ये काले कानूनों को समाप्त करवाने के लिए सरकार को कहां प्रहार करना है सरकार पर। तो मेरा यही प्रेरणा है आपसे कि जब तक सरकार का राजस्व रेणु जाम नहीं करोगे, बंद नहीं करोगे, तब तक सरकार आसानी से बस में होने वाली नहीं है दोस्तों। तो अब तक के हमारे मोर्चे के सभी प्रयोग सफल रहे हैं, चाहे उन्होंने रोड रोकने का आदेश दिया हो, टोल फ्री करने का, रेल बंद करने का, और 26 तारीख को भारत बंद का आह्वान दिया है, लेकिन इसके बाद भी जब तक आप लोग राजस्व को जाम नहीं करोगे सरकार को और अपना पैसा बैंकों से वापस नहीं निकालोगे, तब तक सरकार बस में होने वाली नहीं है। तो मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूँ मोर्चे के लिए कि इस प्रस्ताव पर भी विचार के लिए विचार योग्य प्रस्ताव है और आंदोलन के हित में है। ये सरकार किसानों का गरीबों का बहुत प्रकार से शोषण करती है, ये कानून नहीं, इसके अलावा कानूनों के बहुत से कानून हैं जो किसान विरोधी हैं। यदि किसान दूध में पानी मिला देता है तो उस पर मुकदमा ठोक दिया जाता है, और एक पानी बेचने वाले को कुछ नहीं है दोस्तों, कोई सजा नहीं है। तो क्या बताएं, किसानों का शोषण, गरीबों का शोषण जो हो रहा है, इसका मुख्य कारण है पूंजीवाद, और पूंजीवाद टिका है ब्याज युक्त अर्थव्यवस्था पर। यदि सरकार को, समाज को, सभी को कर्ज से मुक्त होना है तो सबसे पहले ये ब्याज युक्त अर्थव्यवस्था को छोड़ना होगा और ब्याज मुक्त अर्थव्यवस्था को पालन करना होगा। बिना ब्याज मुक्त अर्थव्यवस्था के पालन के कोई को भी कर्ज मुक्ति नहीं मिलेगी कभी भी। और किसानों का जो मुख्य कारण है वही है कर्ज, और कर्ज कारण है पूंजीवाद की अर्थव्यवस्था। पूंजीवाद की अर्थव्यवस्था टिकी हुई है ब्याज पर, इसलिए दोस्तों पूंजीवाद को और पूंजीवाद से उत्पन्न देश में अराजकता आतंक उत्पाद को मिटाने के लिए ब्याज युक्त अर्थव्यवस्था अपनानी होगी और इस व्यवस्था का विरोध करना होगा। सरकार में ये किसी भी आंदोलन को कुचलने के लिए सैनिक और सिपाहियों का सहयोग लेते हैं दोस्तों। जितने भी सैनिक और सिपाही हैं ये सभी किसान पुत्र हैं, और इन्होंने क्या है, किसान पुत्र और बाप और बेटों को लड़ाने का प्रबंध कर दिया है। कितने दुर्भाग्य की बात है, इनको वीर बलिदानी सरदार कौन भी देशद्रोही नजर आने लगी है दोस्तों। इतिहास भरा हुआ है इनके वीर और बलिदानों से। आप ही बताइए, लाल किले पर झंडा लगाने से देश के झंडे का अपमान हो गया, कैसे हो गया, पता नहीं इनकी देश दृष्टि में कितना दोष है। यदि बाप के साथ बेटा खड़ा हो जाता है तो क्या बाप का अपमान हो जाता है, और यदि संविधान के साथ धर्म ग्रंथ रख दिया जाता है तो क्या संविधान का अपमान हो जाता है। अरे न्यायालयों में तो संविधान के बजाय हमारे धर्म ग्रंथों की शपथ दिलाई जाती है, तो वो क्या न्यायाधीश संविधान का अपमान करते हैं। किसी भी मीडिया वाले ने कहा है
न्यायाधीशों के प्रति कि आपने संविधान का अपमान कर दिया, आपने धर्म ग्रंथ की शपथ क्यों दिलाई। तो मैं सरकार से और मीडिया से यह कहना चाहता हूं कि वीर बलिदानी बहादुरी को हमको बदनाम करना देश हित में अच्छा नहीं है। दोस्तों, इनके बराबर जब जब धर्म की हानि हुई, पृथ्वी पर अत्याचार बढ़े, तो इन्हीं के गुरुओं ने अधर्म का अत्याचारियों का नाश किया है। और वो अब समय आ गया है कि शोषणकारी व्यवस्था को और शोषणकारी व्यवस्था बनाने वाले को समाप्ति के लिए ये उचित समय है और आर पार की लड़ाई है। जय हिंद, जय भारत। बोले सो निहाल।